मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के पास स्थित आरे की 600 एकड़ जमीन को लेकर उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गोरेगांव स्थित आरे में 600 एकड़ भूखंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरे जंगल और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें IFA की धारा 4 को SGNP के पास आरे की लगभग 600 एकड़ वन के रूप में आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। सुझाव और आपत्तियों की सुनवाई के बाद इसे आरक्षित वन घोषित कर दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई में आरे के जंगलों के बीच मेट्रो कारशेड बनाने का फैसला किया था, जिसका वन प्रेमियों ने जमकर विरोध भी किया। मुंबई के लंग्स कहे जाने वाले आरे को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक कर एक लंबा अभियान भी चलाया, लेकिन इस सब के बावजूद यहां रातों रात हजारों पेड़ काट दिए गए थे। शिवसेना ने भी आरे के जंगलों को काटने पर आपत्ति जताई थी। शिवसेना ने तब जनता से वादा किया था कि सत्ता में आते ही वह इस पर रोक लगा देंगे और इस योजना को रद्द कर देंगे। बाद में ये मामला अदालत भी पहुंचा, लेकिन तब तक हजारों पेड़ कट चुके थे। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने यहाँ पर मेट्रो कार शेड न बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस जगह पर अब वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैब या फिर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाने का विचार कर रही है। साथ ही कारशेड के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।